सब्सक्राइब कीजिए इंटरेस्टिंग टेक चैनल को, बेल आइकन को दबाइए इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वाले मोबाइल फ़ोन का तो हम सभी वेट कर रहे थे, और ऐसे में ले आया वीवो अपना वीवो X20 Plus UD, जिसके अंदर आपको देखने को मिलता है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहें क्योंकि मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है इम्तियाज, आप देखें इंटरेस्टिंग टेक चैनल, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बात कर लीजिए वीवो के अपकमिंग स्मार्टफोन वीवो X20 Plus UD के बारे में, तो इसका जो हाईलाइटेड फीचर है वो देखने को हमें मिलता है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का। और जो ये फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये जो इसकी वर्किंग है वो आपको एक चिप के थ्रू मिलती है, और जो ये चिप है ये कुछ रेस को थ्रू स्क्रीन OLED पैनल के आपके पास करती है, जो कि आपके जो फिंगरप्रिंट है उसको रीड करता है, और उसके बाद आपका मोबाइल फ़ोन हो जाता है अनलॉक। और जो इस वीवो का अपकमिंग स्मार्टफोन वीवो X20 Plus UD है, इसका पूरी दुनिया काफ़ी टाइम से वेट कर रही है कि वीवो इसे कब लॉन्च करता है। खैर, बात कर ली जाए इसकी प्रोसेसर के बारे में, तो आपको इसके अंदर देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 660, जो कि काफ़ी बैलेंस प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन की तरफ से, जो कि है एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जिसके अंदर आपको देखने को मिलती हैं चार कोर जो वर्क करती हैं 2.2 GHz के ऊपर, और जो बाकी चार कोर हैं वो वर्क करती हैं 1.7 GHz के ऊपर। बात कर ली जाए इसके स्टोरेज और रैम के बारे में, तो आपको इसके अंदर जो स्टोरेज देखने को मिल सकती है वो होगी 64 GB, और साथ जो रैम होगी वो होगी 4 GB। अब जो रैम के अंदर जो मुझे लग रहा है वो काफ़ी कम है, क्योंकि 4 GB रैम 2018 के अंदर वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू दूसरे अदर मोबाइल्स के बनिस्बत। खैर, बात कर ली जाए इसके कैमरा की, तो आपको इसके जो बैक के ऊपर देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे दो कैमरा, जिसके अंदर जो एक होगा 12 MP का, और जो सेकेंडरी कैमरा इसके साथ वाला वो आपको देखने को मिल जाएगा 5 MP का विद LED फ्लैश। बात कर ली जाए इसके अपर्चर की, तो आपको जो बैक कैमरे का अपर्चर होगा वो होगा 1.8 f का, और जो फ्रंट कैमरा की बात कर ली जाए तो आपको वो देखने को मिल सकता है 8 MP का, जिसका अपर्चर होगा 2.0। बात कर ली जाए इसके एंड्रॉयड की, तो ये आपको देखने को मिलेगा नोगेट के ऊपर, जिसके बाद वीवो अपग्रेड इसे ज़रूर करेगा लॉलीपॉप कह रहा हूँ ओरियो के ऊपर, जो कि अभी लेटेस्ट एंड्रॉयड है गूगल की तरफ से। बात कर ली जाए इसके लॉन्च प्राइस की, तो अभी इससे लॉन्च की प्राइस कुछ डिसाइड नहीं की गई वीवो की तरफ से, मगर रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि आपको ये देखने को मिल सकता है $650 के दरमियान में, जो कि पाकिस्तानी बन जाएंगे सब टैक्स वगैरह डाल के तकरीबन 70 के अराउंड, जो कि सैमसंग के मोबाइल के करीब करीब ही है। खैर, क्योंकि इसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर अंडर डिस्प्ले है, तो वीवो को तो इतना हक तो बनता ही है। खैर, बात कर लीजिए इसकी लॉन्च डेट की, तो अभी वीवो ने इसके बारे में भी नहीं कुछ कहा है, मगर रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि आपको देखने को मिल सकता है 2018 के फर्स्ट हाफ के अंदर, यानी कि मई जून जुलाई के अंदर, या उससे पहले, या कभी भी। ये अब वीवो ही डिसाइड करेगा कि वो कब इसको लॉन्च करता है। तो दोस्तों, बस यही थी कुछ स्पेसिफिकेशन वीवो के वीवो X20 Plus UD के बारे में, जो कि है एक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला मोबाइल फ़ोन, जिसका आपने डेमो काफ़ी वीडियोस में देख ही लिया होगा। तो बस ये थी कुछ स्पेसिफिकेशन इस मोबाइल फ़ोन के बारे में। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।